हेलो एवरीवन, वेलकम टू एब्लॉग ब्यूटी क्लब्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज अ मेकअप आर्टिस्ट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। आपको अपने कस्टमर से सिर्फ सर्विस तक ही नहीं, उसके बाद भी जुड़े रहना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं कुछ टिप्स। आपको अपने सैलून में ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने चाहिए जिसको आप अपने कस्टमर्स से फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर पाएँ। ऐसा करने से आपके कस्टमर्स आपके सैलून से लंबे टाइम तक एसोसिएटेड रह पाएंगे। दीज आर द फ्यू टिप्स दैट यू कैन फॉलो फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज अ मेकअप आर्टिस्ट। टिप नंबर 1, कलेक्ट डाटाबेस एक्टिवली। आप अपने सैलून में विजिट करने वाले हर एक कस्टमर का डेटा कलेक्ट कीजिए और एक रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। इस रिकॉर्ड में आप अपने कस्टमर्स का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और फीडबैक जरूर रिकॉर्ड कीजिए। टिप नंबर 2, सिफ्ट थ्रू द फीडबैक। हर कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज कीजिए और फिल्टर कीजिए कि आपके कितने कस्टमर्स ने आपको पॉजिटिव फीडबैक दिया है। उन रिस्पॉन्सेस को फिल्टर कीजिए और उन फिल्टर्ड रिस्पॉन्सेस से एक नया डेटाबेस रेडी कीजिए जिसमें आप अपने सैलून के अपकमिंग ऑफर्स और प्रमोशंस शेयर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, ऐड देम टू योर मेलिंग लिस्ट। मेक एन ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ योर सैलून एंड कीप इट एक्टिव। आप अपने कस्टमर्स के लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स निकालिए और उनको रेगुलरली ईमेल पे सेंड कीजिए। टिप नंबर 4, एम्पलीफाई ऑन ऑफर्स। अगर ईमेल मार्केटिंग आपके लिए वर्क कर रही है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आप अपने ऑफर्स को एम्पलीफाई कीजिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए। फोकस कीजिए कि आपके कस्टमर्स कौन कौन सी सर्विसेज का कॉम्बो लाइक कर रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग आप अपने पैकेजेस निकालिए। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे राखी, दिवाली, करवा चौथ। यू कैन इंट्रोड्यूस न्यू ऑफर्स अकॉर्डिंगली। इससे आप मैक्सिमम लोगों को टारगेट करके अट्रैक्ट कर पाएंगे। टिप नंबर 5, कस्टमाइज फॉर रेगुलर कस्टमर। आप अपने रेगुलर कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करिए और उनके लिए कुछ स्पेसिफिक ऑफर्स और वाउचर्स निकालिए ताकि वो और सेटिस्फाइड रहें और आपके सैलून में रेगुलर विजिट्स बनाए रखें। इस एसोसिएशन को लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना बजट सेट करिए ताकि उनको बेस्ट सर्विसेज मिनिमम प्राइसेस पे मिल पाए। सो दीज वर द फ्यू टिप्स दैट विल हेल्प यू मेंटेन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स विद योर क्लाइंट्स। वी रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे अपने कस्टमर्स से रिलेशन बिल्ड करने में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू एब्लॉग ब्यूटी क्लब्स यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सून, नेक्स्ट टाइम, बाय।